परिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसापुणं एषो पंच नमुक्कारो सर्वपापणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम्। नौकार की साधना चल रही है, हम नौकार की जाप आराधना व्यवस्थित शांति से कर रहे हैं। एक के बाद एक अलग अलग प्रयोग जो है, जो भी मैं सिखा रहा हूँ आप लोग सीख भी रहे हो, और मैं आशा के साथ विश्वास रखता हूँ कि आप रेगुलर साधना करते भी होंगे। आप करोगे तो ही आपको फायदा है। मैंने जो इंटेंशन, एक बेसिक उद्देश्य बनाया है, विचार बंद हो जाए, आश्रव का निरोध हो, संवर बरोबर हो, ताकि नए कर्म का बंधन हो और पुराने कर्मों की निजरा, ये उद्देश्य है। और इस उद्देश्य से मैं सिखा रहा हूं, क्योंकि सबकी कंप्लेन जो पहले से ही आ रही थी, इस कंप्लेन के अंदर माला गिनते हैं विचार आते रहते हैं, हम माला गिनते हैं विचार अलग अलग आते रहते हैं, लोग परेशान है फिर भी नियम है तो जाप कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है, एक मानसिक संतोष अंदर आत्मा के अंदर नहीं हो रहा है, तो लोग चिंताग्रस्त जरूर हैं। अब सबकी चिंता को दूर करने के लिए नवकार की क्वालिटी कैसे बढ़े, नवकार गिनने की साधना के अंदर हमारी गुणवत्ता कैसे बढ़े और हमारी निद्रा का प्रमाण कैसे बढ़े, ये लक्ष्य रख करके मैं सिखा रहा हूं। अलग 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 तरीके से हम गिनते आ रहे हैं, साधना करते आ रहे हैं। हमने लास्ट टाइम भी नवपद की साधना, नवपद के आधार पर, आपने नवपद सबको मालूम है, और उस हिसाब से जब हमने नवकार की साधना की थी, आज फिर नवपद की आराधना से कर रहे हैं, और आज फिर हम नवपद की आराधना से नवकार 108 गिनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उद्देश्य थोड़ा सा बदलेगा, लेकिन साधना की पद्धति में सीधे क्रम से, उल्टे क्रम से, हम जिस तरह से करेंगे आप दोनों में फर्क समझ। पहले हमने क्या किया था, यहाँ पर ये पद्धति है, नवपद की रचना किस तरह से है, देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। यहाँ देव तत्व से कोई देवी देवता न समझे, हमको भगवान समझने हैं। ये दो देव तत्व को कौन आए, अरिहंत परमात्मा और सिद्ध भगवान। ये तीन गुरु पद के अंदर कौन है, आचार्य, उपाध्याय और साधु। इधर ये चार धर्म तत्व के अंदर आपको दर्शन, ज्ञान, ये चारित्र और ये तप, ये है, ये मिल करके नौ पद बने, और नौ पदों की व्यवस्था करके हमने लास्ट टाइम में गुरुवार को नौ पद के क्रम से जाप किया था। अब इसमें हमने फर्क क्या किया, आज आप देखिए, हमने धर्म पहले क्रम पर लिखा है, बात तो वही है, हमको धर्म पहले क्रम पर चल करके आपको दर्शन पद की आराधना में, अब इसमें हम क्या करेंगे, उल्टे क्रम में चल रहे हैं। तप धर्म आया, चारित्र धर्म, ज्ञान धर्म और दर्शन धर्म। अब इधर आइए गुरु तत्व के अंदर, अब आप थोड़े से विपरीत चल रहे हो, ये साधु आ गए, उपाध्याय आ गए और ये आचार्य। अब देव तत्व के अंदर, इसके अंदर ये सिद्ध आए और ये अरिहंत आए। नौ तो हो ही रहे हैं, नौ के अंदर हम कोई कम ज्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये सीधे क्रम का था, ये उल्टे क्रम का है। ये दोनों के कंपैरिजन करके मैं सिखा रहा हूं, तो आपको ख्याल आएगा कि सीधे क्रम में हमने क्या सीखा है, आज उल्टे क्रम में हमको क्या करना है। ये दोनों से हम बरोबर समझेंगे। और ये अब पहले हमने जो कतरईवार का किया, गुरुवार का किया था, इसके अंदर हम किस तरह से सीधे क्रम में चले थे, अब ये है और ये उल्टा है। मन को एकाग्र करना है, मन को स्थिर करना है और मन को जोड़ना है,
इसलिए हम इस क्रम से चल रहे हैं। अब यह है कि मन को बरोबर लक्ष्य में रख करके साधना मन को करानी है, मन के माध्यम से करनी है, मन को जोड़ना है। हमने पहले उद्देश्य में आपको कहा कि हम शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे, तो काया तो वैसे ही जड़ पुद्गल है। जैसे ही आपने एक आसन में शरीर को स्थिर कर दिया, अब शरीर से काय योग से बंधने वाले कर्म का रास्ता बंद हो जाए। अब वचन योग से तो हमको मौन करना ही है, शब्दोच्चार नहीं, भाषा का उच्चार नहीं, वाक्योच्चार नहीं, जीभ हिलाना नहीं है, होठ हिलाना नहीं है आपको, फिर कोई उच्चार करना ही नहीं है, तो वाचिक कर्म बंध भी बंद हो गया। अब बचा सिर्फ मन ही है। अब मन गलत विचार में, खराब विचार में न जाए, फिर नए कर्म का बंध न हो, इसके लिए हमने सीधा प्रयोग किया है कि मन को उसमें जोड़ रहे हैं, और मन को जोड़ रहे हैं तो मन उसी में जुड़ा रहे, मन ही उसी के अंदर क्रम से करे, ये पद्धति बैठेगी साथ। बरोबर है, आपको ख्याल आ रहा है। अब मैं इसके ऊपर नवपद जी का चित्र, यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वो ये था। अब ये नवपद के अंदर आप नौ चित्र जो है, ये 12, तो इसके अंदर यहाँ पर ये पहला है, ये नवपद आगे बरोबर चित्र वाले, और ये 12 विभाग के अंदर कोष्ठक के अंदर ऐसे 12 नवपद जी दिए। अब आपको ख्याल आ गया ये हमने किस तरह से गिने थे लास्ट टाइम में। अब यहाँ पर बीच में अरिहंत है पहला नवकार, सिद्ध भगवान के ऊपर दूसरा नवकार, आचार्य भगवान के ऊपर तीसरा नवकार, उपाध्याय जी भगवान के ऊपर ये चौथा नवकार, साधु भगवान पर पांचवा नवकार, फिर आपने दर्शन पद पर छठा नवकार, ज्ञान पद पर सातवां नवकार, और चारित्र पद पर आठवां, नौवे पद पर नौवां। तो ये एक एक कमल में हमने नौ नौ नवकार गिने थे, फिर दूसरा कमल लिया, फिर तीसरा कमल लिया, फिर चौथा लिया, फिर पांचवा लिया, फिर छठा लिया, फिर सातवा लिया, आठवां लिया, नौवां लिया, दसवां, ग्यारहवां, बार। ये हमने लास्ट गुरुवार को किया था, ये आपको दिखा रहा हूँ, आपको ख्याल आ जाएगा सबको। और ये प्रिंट आपको मिल जाती है, आपके ग्रुप पर आती है, तो आप प्रिंट निकाल करके कर सकते। अब मैं इसमें फर्क क्या करने जा रहा हूँ वो आपको देखना है, आपको ध्यान से समझना है। अब इसके अंदर अब आप देखेंगे कि पहले हमने जो जिस तरह से ये हाँ इधर देखिए, हमने यहाँ पर अरिहंत भगवान का पहला नवकार यहाँ गिना था, और ये सिद्ध भगवान का दूसरा नवकार हमने यहाँ गिना था, फिर तीसरा नवकार आचार्य भगवान का यहाँ गिना था, चौथा नवकार उपाध्याय जी का यहाँ गिना, पांचवा नवकार यहाँ पर ये साधु पद का हमने गिना था, अब आइए छठा नवकार आपने दर्शन पद का यहाँ गिना था, सातवां नवकार ज्ञान पद का आपने यहाँ गिना था, आठवां नवकार आपने चारित्र पद का यहाँ गिना था, और नौवां पद का तप पद का आपने इस तरह से थोड़ा सा आपको देखेंगे ख्याल आएगा। अब क्रम कैसे चला था, अब ये क्रम जिस तरह से चला था, फिर आप यहाँ आए, फिर ज्ञान पर आए, फिर चारित्र पर आए, और फिर तप पर आ रहे हैं ख्याल में आपको। यहाँ पर जिस तरह से हमने इस नवपद पर नवकार का गए गुरुवार को किया, ये मैंने क्रम बताया। आप पहला नवकार पूरा एक नवकार यहाँ गिनेंगे अरिहंत पद का, दूसरा नवकार पूरा अरिहंत का सिद्ध का, तीसरा नवकार आचार्य पद का, चौथा नवकार यहाँ पर उपाध्याय जी का, और फिर पांचवा नवकार साधु। ये आत्मा के धर्म आ गए, दर्शन ज्ञान चारित्र तत्व, नौ नवकार आपके पूरे हो गए। अब नौ नवकार करने के बाद आपने इसमें नौ किए, फिर दूसरे में नौ, फिर तीसरे में नौ, फिर चौथे में नौ, पांचवे में, छठे में, सातवें में, ये करते हुए आपके 108 हो जाते हैं।
ये हमने लास्ट गुरुवार को कर लिया था, अब आपको ख्याल हो। अब इधर देखिए, आज का क्रम क्या चेंज कर रहा हूं, आज का क्रम चेंज कर रहा हूं, इससे आपको समझना है। अब ये समझने से आपको ख्याल आ जाएगा कि अब ये जो है इधर हमने दूसरा किया। अब यहां पर आपको ये समझना है कि इसके अंदर भी आपको तरीका बदलना है। अब उसमें क्रम सिर्फ आपका बदलेगा, आपको स्पष्टता आ जाएगी। अब ये आप देखेंगे यहां पर, हाँ जी, अब आप आज क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए साहब, ये पहला पद हमने यहाँ गिना है तप पद के अंदर, पहला नवकार यहाँ आप पूरा करेंगे। आज इससे उल्टा चल रहा है, तो ये मैंने बीच की लाइन जो बताई है, आज थोड़ा उल्टे क्रम पर हम चल रहे हैं साहब। इधर आया और इधर आकर के ये दूसरा नवकार, तो ये है आपका चारित्र पद। तप पद पर पहला हुआ, चारित्र पद पर दूसरा हुआ। अब यहाँ पर आप आए, ये तीसरा आपका ज्ञान पद, ये चौथा आपने लिया दर्शन पद। अब यहाँ गुरु के क्रम में आए, तो पांचवा यहाँ पर आया साधु के क्रम। अब छठा यहाँ पर आया उपाध्याय जी के क्रम का। सातवां यहाँ पर आया आचार्य भगवंत के क्रम का आया। अब यहाँ पर ये सिद्ध भगवान के क्रम का आठवां आया, और ये नौवां यहाँ पर आया है बीच में अरिहंत भगवान। आ रहा है ख्याल में आपको? तो ये नौ पद के जिस तरह से, बस सिर्फ आपका क्रम उल्टा हुआ है। अब इस क्रम के अंदर आप आज इधर से शुरुआत करेंगे, थोड़ा ध्यान से समझ लो, दोबारा वापिस समझा रहा हूं। ये नौ पद और ये नौ पद आप देख लो क्या फर्क है। ये मैंने लिखा है ए, ये दूसरा है बी प्रयोग, ये बीच में डिवाइडिंग लाइन। अब आपको ख्याल आ गया, ये जो क्रम चल रहा था सीधे क्रम से हमने बरोबर गिना, अब ये उल्टे क्रम में, आज का क्रम आपको ये उल्टा बता रहा हूं। अब आप उल्टे क्रम में चलेंगे साथ, कैसे चलेंगे ये आज का क्रम आपको देखना है। तो हमने यहां से शुरू किया ये दूसरा, ये आत्मा का गुण यहां से आपने ये तीसरा, ये गुण यहां से आपने चौथा। अब आप घूमकर यहाँ आए, अब गुरु पद पर आए, फिर यहां से उपाध्याय जी पर, यहां से आचार्य पर, यहां से सिद्ध पर, और सबके केंद्र में यहां पर अरिहंत पर। आ रहा है ख्याल में? है बहुत आसान है, बस ये सीधा क्रम था, ये विपरीत क्रम है। अब आज आप बरोबर इस तरह से चलेंगे साथ, पहला पूरा नवका तप पद पर, मेरी आत्मा का तप का अंतराय कर्म क्षय हो, मेरी भी तप साधना की शक्ति बढ़े। नंबर दो, चारित्र मोहनीय कर्म मेरा घटे, आत्मा का चारित्र गुण अच्छा बढ़े। नंबर तीन, मेरा ज्ञानावरणीय कर्म घटे, मेरी ज्ञान क्षमता अच्छी बढ़े। मेरा नंबर चार, सम्यक दर्शन प्रकट हो, दर्शन मोहनीय कर्म का क्षय हो, मेरा दर्शन सम्यक दर्शन अंदर से प्रकट हो। इधर साधु महाराज, मैं साधु साधवियों को वंदन करता हूँ। आप कहाँ बैठे हो? कोई बहन जी अटलांटा से है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से, वहां तो आपको साधु साध्वी देखने को भी नहीं मिलेंगे। अब ये एक माध्यम है कि यहाँ बैठे आपको साधु साध्वी के दर्शन हो रहे हैं। तो पहले भाव वंदना, मैं भाव वंदना से नमो लोए सर्व साहुणम, सब साधु साध्वियों को वंदन करता हूँ। इधर उपाध्याय जी महाराज, आपने यहाँ पर एक नवकार पूरा पांचवा गिन लिया, आइए उपाध्याय जी महाराज पर। यहाँ सब उपाध्याय जी भगवंतों को वंदन नमन करना है, नमो उभच्छायानम।
फिर एक नवकार आपने छठा यहाँ गिना, यहाँ पर नमो आयरियानम आचार्य भगवंत, आप जैन शासन के धुरी मुख्य आज आचार्य भगवंत है, आप समस्त आचार्यों को भाव वंदना करते जाइए और एक नवकार पूरा उसके साथ में गिनिए। यहाँ पर आइए, यहाँ पर नमो सिद्धानम, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार, सिद्ध शिला पर कितने अनंत सिद्ध आत्मा है उनको भाव वंदना करके पूरा नवकार वहां गिनिए। और केंद्र में, सबके बीच में केंद्र में अरिहंत है। आप सोचिए, अरिहंत भगवान ही नहीं हुए होते तो आप क्या करते हैं? अरिहंत भगवान ही नहीं हुए होते तो धर्म की स्थापना कौन करते? धर्म ही नहीं बना होता तो हम आज क्या करते? तो यहाँ पर हमारा अरिहंत परमात्मा को नमो अरिहंतानम से वंदना, और अरिहंत परमात्मा का स्मरण करते हुए आपने नवकार गिन लिया। ये इस तरह से आपके 9 नवकार पूरे हुए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। क्रम उल्टा क्यों किया है? मेमोरी जो हमारी इसके सीधे क्रम के मेमोरी सेट है, अब वो मेमोरी सेट हम उसको बदल रहे। मन इधर उधर भागे ही नहीं था। जब मेमोरी में से ऑटोमेटिक आता रहता है तब मन जो है भागने लग जाता है, तो मन भागने लग जाएगा, दूसरे विचार आने लग जाएंगे। ये मन भागे नहीं, स्थिर हो जाए, एक जगह पर स्थिर होकर के ही बरोबर करे सा। अब शरीर तो हिलाना नहीं है, वचन योग चलाना नहीं है, अब मन को ही करना है सा। तो आप समझ रहे बात पूरी तरह से। अब ये है पद्धति, दोनों का आपको ख्याल आ गया होगा, और दोनों की तुलना में कोई लंबा फर्क नहीं। ये सीधे क्रम से चल रहा है, ये विपरीत क्रम से उल्टा चल रहा है, और इसके अंदर हम उल्टे क्रम से विपरीत ग्रंथ करें, मेमोरी नहीं काम आए। अब नया उपयोग आपको रखना पड़ेगा, तो ये प्रिंट आपको निकाल करके रख लेनी पड़ेगी, और ये प्रिंट निकाल कर जरा बड़ी साइज में A3 साइज में निकालो, और A3 साइज में निकाल कर सामने आप जहां मेडिटेशन करने बैठते हो सामने रख दो, और जैसे ही आप सामने रख दोगे आपकी दृष्टि इस पर स्थिर हो जाएगी, और आपकी दृष्टि इस पर स्थिर हो जाएगी आप बरोबर कर सकोगे। अब फिर इसी प्रकार के 12 ही लेखम कमल लेने, और 12 नवपद जी के सामने आपको बैठना है। अब ये है 12 नवकार, नवपद जी सामने आ गए। अब ये क्रम आपको ऐसे उल्टा करके बता दिया जाए तो क्या फर्क पड़ा? इसमें सीधे क्रम है, जब ये करेंगे तब आपको सीधे क्रम वाला मिल गया, और ये करेंगे तब आपको उल्टे क्रम वाला मिल जाएगा। अब इसमें भी उल्टे क्रम वाले में आपको बस इसी तरह से चलना है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिर आपके जो है 12 नवकार इधर पहले कमल में, 9 नवकार दूसरे कमल में, फिर 9 नवकार आपके तीसरे कमल में, 9 नवकार चौथे कमल में, 9 नवकार पांचवें कमल में, 9 नवकार छठे कमल में, 9 नवकार सातवें कमल में, 9 नवकार आठवें कमल में, 9 नवकार नौवें कमल में, 9 नवकार दसवें कमल में, 9 नवकार 10-11 में, और 9 नवकार 11 नवपति में, हो गए 108। 12 9 से मल्टीप्लाई करो, 108 बरोबर हो रहे हैं आपके। तो ये पद्धति बैठाई है, अब इस पद्धति से आपको करना है। जब भी करो आपका ये अभ्यास होता है, आज एक दिन ये कर लिया, कल दूसरे दिन ये कर लो, अब दो दिन ये कर लिया, फिर वापिस ये करो, तो क्या होगा? मेमोरी का चेंज हो जाए। अब मेमोरी से नहीं चलेंगे, अब उपयोग से चलेंगे। उपयोग मतलब क्या? जो कर रहे हो उसमें आपके माइंड का उपयोग बरोबर बना रहे, आ गई बात समझ में? अब आपको क्या करना है, अपनी पूर्व तैयारी पूरी कर लो। पूर्व तैयारी करके आप अपनी तरह से जो भी देखिए, सबको समय कौन सा लेना है, जब आप दिन भर थके हो तब रात को लेने जाओगे तो माइंड स्थिर नहीं होगा। सुबह सुबह फ्रेश उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में करो। जब सुबह फ्रेश उठकर ब्रह्म मुहूर्त में आप करेंगे तो बरोबर बिना थकान के जब आप करोगे तो मन शांत रहता है, मन उद्वेग वाला नहीं हो, टेस्ट कसाय से ग्रस्त ना हो, मन शांत बिल्कुल स्थिर होकर के करे, तो हमारा उद्देश्य बरोबर है। ये आप 108 आपने किए, और 108 करने के बाद आपको अच्छी तरह से ख्याल आ जाएगा, फिर आप बरोबर देखेंगे कि हाँ फालतू विचार आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे।
एक सप्ताह, दो सप्ताह, एक वीक, दो वीक आपका जितनी प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद तो आप आंख बंद करके भी कर सकोगे, फिर तो खोल करके देखने की भी आवश्यकता नहीं रहेगी। आप जिस तरह से करेंगे ये, जब आप इसमें आ जाओगे दूसरे प्रयोग में उल्टे तरीके से करना, इसका भी प्रैक्टिस अभ्यास हो जाए, फिर आप आंख बंद करके प्रैक्टिस करिए, मन आपका शांत हो जाए, अब बाहर के विचार ही नहीं आएंगे आपको। हमने माला तो ली नहीं हाथ में, हम तो बरोबर इसी क्रम से करते जा रहे हैं, तो बिल्कुल स्थिरता पूर्वक करते करते आपको एक भी इधर उधर का फालतू विचार नहीं आएगा, बड़ी शांति से होता जाए। आप देखिए, मेरे कहने पर मत जाइए, खुद अनुभव करिए। अब काया को स्थिर करने के लिए आप आसन में स्थिर कर लो था, जैसे आपको जो अर्ध पद्मासन करना है, पूर्ण पद्मासन करना है, जैसा भी करना है, अपने आप में आप काया को स्थिर कर लो, और स्थिर करके बिल्कुल शांति से बैठ गए। आपको ये मुद्रा लेनी है, आप नमस्कार मुद्रा में रखो, क्योंकि आपको गिनती तो वैसे भी नहीं करनी है, तो वो तो वैसे भी चिंता नहीं है आपकी, सवाल संख्या गिननी तो है नहीं, तो आप नमस्कार मुद्रा में बैठ करके करिए तो भी चलेगा। अब ये है कि इस तरह की आपकी नमस्कार मुद्रा आपके 20 मिनट लगे, 30 मिनट लगे, 40 मिनट लगे, आपको बरोबर रहना। आप ये ध्यान मुद्रा हो तो इस मुद्रा में बैठे, प्रतिमा, भगवान की प्रतिमा सामने आपने रखी है उस ध्यान मुद्रा में, आप मंदिर में जाके करो, जब आपके मंदिर में वहां पर भी शांति है, कोई इतना आने जाने वाला नहीं है, तो भी आप शांति से करेंगे। आपको ये ध्यान मुद्रा बनानी है, इस मुद्रा में आप शांति से बैठ करके स्थिर करिए। सवाल कहाँ है आपको, आप आंखें बंद करके करो जब आपका अभ्यास हो जाए, लेकिन प्रारंभ में आपने चित्र लगाया है सामने, दृष्टि इस पर स्थिर रखनी है। अब दृष्टि इस पर स्थिर रख करके करोगे तो सिर्फ आंख घूमती रहेगी और क्रम चलता रहेगा। आपका प्रैक्टिस अच्छी हो गई है, आंख बंद कर लो सा। अब इतनी शांति से पहले आप सामायिक ले लो, सामायिक लेकर बैठोगे तो व्रत वीरती का भी लाभ आपका साथ में जुड़ जाता है, डबल फायदा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। फिर आप व्रत वीरती में भी कर सकते हो, मंदिर में जाओ बिना सामायिक के वहां कर सकते हो। अब आप धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस बढ़ाइए, आप एक बार सामायिक पूरी लेकर के, एक सामायिक में एक राउंड होता है, दो राउंड हो रहे हैं, सीधे क्रम से हो रहा है, इस क्रम से उल्टे क्रम से हो रहा है, आपकी सामायिक पूरी हो जाए, आप कोई चिंता मत करिए, घड़ी मत देखो, समय नहीं देखना है, घड़ी देख करके फिर वो मानसिक टेंशन आए, दौड़ना है, भागना है, दौड़ना है, भागना है, ये नहीं। आपको अपने नवकार महामंत्र की क्वालिटी डेवलप करनी है, बड़ी अच्छी क्वालिटी आपकी सुधर जाए, और इस क्वालिटी के अंदर आपको बिल्कुल जो है शुद्ध भाव से जब आप करते जाओ, आपका एक भी विचार बीच में ना आए सब, और बिना विचार के आप करते 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 शांत चित्त से आप कर रहे हैं, एकाग्रता कंसंट्रेशन आपका इतना बढ़ेगा, इतना बढ़ेगा, आपको आनंद होगा। जब जैसे ही आपके ये 12 नवकार हो गए, अब 108 हो गए, आप बरोबर शांति से 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए शांति से स्थिर बैठ, जस्ट फॉर सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्म निरीक्षण करो, मुझे कोई दूसरा विचार इधर उधर का फालतू विचार आया क्या, नहीं, एक भी विचार आपको इधर उधर का कोई फालतू विचार नहीं आया, बहुत बड़ा काम हो गया सर। अब ये आपका लक्ष्य हो तो बहुत बड़ी बात है सर। अब इस लक्ष्य से आप चलेंगे तो एक भी फालतू विचार न आने से आपको ये फायदा हो, आपको खुद को एक सेटिस्फेक्शन होगा कि नहीं बहुत अच्छी तरह से हुआ, बड़ी शांति से हुआ, एक भी विचार फालतू नहीं आया। जो हमारा रोज का अनुभव था, माला लेके बैठते थे और मन घूमता था और विचार आते रहते थे, अब इस पद्धति से करें, नवकार तो वही है, माध्यम हमने बना दिया, एक माध्यम पर लगा दिया और दृष्टि स्थिर कर ली, मन स्थिर कर लिया, आपको फालतू विचार ही नहीं आएगा। अब बिल्कुल विचार ना आए तो हमारी भाव विशुद्धि बढ़ी सर, आपने आत्मा के गुणों का स्मरण किया, तब आत्मा का गुण है, ध्यान रखिए, शरीर तप नहीं कर रहा है, आत्मा तप कर रही है, शरीर साधन माध्यम है सिर्फ, चारित्राचार आत्मा का गुण है, चारित्र गुण, अब आत्म साधना है, आइए ज्ञानाचार, ज्ञान आत्मा का गुण है,
तो ज्ञानावरणीय कर्म की भी निद्रा होगी, इधर ये मोहनीय कर्म की निद्रा होगी, आपका इसमें अंतराय कर्म की निद्रा हो रही है। देखिए है तो आत्मा के ही कर्म, गुण है तो गुण पर लगे हुए कर्म है, अब गुण पर लगे हुए कर्म की निद्रा हमको करनी है तो बरोबर हो रहा है। इधर आत्मा का दर्शन, ये कौन सा कर्म है मोहनीय में, दर्शन मोहनीय कर्म, अब वो भी हमको क्षय करना है। और फिर हमारे गुरु है तीन यहाँ पर, साधु उपाध्याय आचार्य, इसमें क्या था क्रम था आचार्य उपाध्याय साधु, अब इतने हमने उल्टे क्रम से लिया, तो नमो लोए सर्व श्रवणम, नमो उपाध्यायनम, नमो आयरियन। अब आप इस क्रम से करें गुरु वंदना, गुरु भगवंतों का भाव स्मरण, ये और आपके कर्म क्षय निद्रा का साधन बन गया। अब आई अंत में दोनों भगवान आ गए साथ, नमो सिद्धानम, एक साथ में अनंत सिद्धों के दर्शन का भाव, मन ले जाइए वहां पर सिद्ध शिला पर, अनंत सिद्धात्मा है, मैं उनको भाव से यहाँ से वंदना कर रहा हूँ। फिर आइए नमो अरिहंतानम, अभी सिमंदर स्वामी युगमंदर स्वामी आदि बेश तीर्थंकर भगवान विचार रहे, आपने भाव वंदना की नमो अरिहंतानम से, और मन में नवकार चल रहा है, मन में नवकार चल रहा है, क्योंकि मन में इसलिए मैंने कहा जीभ हिलानी नहीं, होठ हिलाना नहीं, उच्चार प्रोनाउंसिएशन आपको करना ही नहीं, जब आप उच्चार करोगे जीभ हिलाओगे होठ हिलाओगे आंख खोलोगे इधर देखोगे तो फिर वही बच्चे जैसा हो जाएगा, विचार आते रहेंगे और सही ढंग से नहीं होगा। ये हमने पहले जब दरवाजा बंद कर लिया है तो शांत रूप से आप स्थिर हो गए, अब जीभ नहीं हिलेगी, अंदर होठ नहीं हिलेंगे, दांत नहीं हिलेंगे, आप अंदर ही अंदर अंदर ही अंदर 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 आत्मा में स्पष्ट रूप से शांति से करते जाए। ये मैंने आज आपको दोनों अच्छी तरह से समझा दिए, आपकी सामायिक व्यवस्थित हो, नौकर का झाप व्यवस्थित हो, आलंबन ये सामने रखिए नौपति का और स्पष्ट ढंग से करते जाइए, आपके जो एक्सपीरियंस अनुभव हो वो आप लिख करके भेजिए, कुछ कुछ दो चार जने लिख करके भेजते हैं, जितने भी करने वाले हैं वो अभी आप, और आप आसपास में जहां भी आपके लिंक है कांटेक्ट है संबंध है आप भेजिए सबको, जो भी करेंगे आप निमित्त बनिए साथ, आप जहां रहते हो आपके संग में समाज में संबंधियों में सर्कल में आप बोलिए, लोग अच्छी तरह से जुड़ेंगे, आप उनको भेजिए लिंक भेजो भाई सीखो, तो सबकी सुधारणा अच्छी होगी, तो ये सुधारना अच्छी होगी तो आपको भी फायदा है। अभी ये है तो इस ग्रुप के अंदर आप जुड़िए, आपको वापस यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी इधर से भेज रहे हैं, ये प्रिंट मटेरियल भी आपको भेज रहे हैं, चित्र वगैरह फोटो वगैरह आपको भेज रहे हैं, आप वहां पर निकाल लो और इससे को सामने रखिए सब, ठीक है। अब आप जो है जिनको भी पूछना है पूछिए, और एक एक जने क्रम से अपना जो है अनम्यूट करके आप प्रश्न पूछोगे सही।